हेलो बच्चों, टुडे वी आर स्टार्टिंग सॉल्यूशन पार्ट थ्री। फिर से बच्चों क्वेश्चन बैंक की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बच्चों हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वी विल डिस्कस इन दिस पार्ट थ्री। यस बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, मास डिटर्मिनेशन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज गुड, व्हाई? मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए बच्चों हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों मैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम। यहां मोलैलिटी के अंदर बच्चों मोलर मास टर्म आती है। कैसे आती है? आई के बी वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर बच्चों अगर बाकी पैरामीटर्स हमारे पास हों, कौन कौन से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना प्रोड्यूस हुआ when this w gram of solute is added to this much kg of solvent and the value of I is also given to us, agar kahenge non electrolyte hai to I ki value hogi 1 and this kb ebullioscopic constant that will also be given to you for the given solvent, aur is tarike se if the rest of the parameters are known to you, you can easily calculate the molar mass। बच्चों आप ये मोलर मास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से भी निकाल सकते हो, डेल्टा टी एफ वाले फॉर्मूले से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से भी निकाल सकते हो और ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से भी निकाल सकते हो, एन आर टी। अगर वी को नीचे ले आए तो बच्चों एन बाय वी विल बी इक्वल टू सी आर टी। अब इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को हमें मोलर मास की टर्म में लिखना था। तो बच्चों इस फॉर्मूले में भी हम क्या कर सकते हैं, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू हमें पता हो, आई पता हो, डब्ल्यू टी वी पता हो, आर इज ऑलरेडी नोन टू यू, वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास। अब क्वेश्चन ये है कि ये मेथड हम प्रिफर करते हैं। देखो मेथड हम वही प्रिफर करते हैं जो एग्जैक्ट मेजरमेंट दे सके। यहां पर बच्चों दो पॉजिटिव पॉइंट हैं। नंबर एक, ये बच्चों रूम टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। बाकियों में क्या था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। इफ यू आर हीटिंग कूलिंग, यू आर जस्ट चेंजिंग द एनवायरनमेंट, यू आर चेंजिंग द कंडीशन, द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल में चेंज, इट मे ब्रेक, द नंबर में चेंज, या ब्रेक हो रहा है, द नंबर विल ऑल्सो वेरी। तो हम नहीं चाहते, बिकॉज दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वी डोंट वॉन्ट एनी चेंज, सो इट इज बेस्ट यू मेजर इट एट रूम टेम्परेचर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज गुड। दूसरा बच्चों, ये मेजरेबल वैल्यू आती है इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। कहते ना, अगर थोड़ा सा भी कंसेंट्रेशन का चेंज आएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वेरिएशन मेजरेबल है, मगर जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है या डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो वो बहुत लो है, तो दैट इज नॉट सो सेंसिटिव एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। देयरफॉर वी यूज ऑस्मोटिक प्रेशर इन डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो बच्चों इन शॉर्ट यू कैन राइट, फर्स्ट इट इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड इट हैज अप्रिशिएबल वैल्यू इवन फॉर द डायल्यूट सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। फ्रीजिंग पॉइंट क्यों कम हो जाता है जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एड करते हैं? ये देखो बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट को पहले समझ लें। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? ये है बच्चों टेम्परेचर
एंड दिस वाई एक्सिस इज शोइंग द वेपर प्रेशर। लास्ट बच्चों बेसिक्स में आपने डिस्कस किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर बढ़ता है, एज द इवेपोरेशन इंक्रीजेस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। ये बच्चों हमारा ग्राफ है आइस के लिए और ये है वाटर के लिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है बच्चों? जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और उसी की लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर बराबर हो। सो दिस इज द वेपर प्रेशर एंड दिस टी वन इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड यानी आइस एंड इट्स लिक्विड फॉर्म विच इज वॉटर हेयर इज सेम। तो ये है हमारा T1 फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर हम वाटर में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो ग्राफ बच्चों नीचे से आएगा। ठंडा करने पर वेपर प्रेशर बच्चों कम हो रहा है। हमने इसको T1 तक फ्रीज जरूर किया बट इट इज नॉट हैविंग द वेपर प्रेशर अगेन इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। तो फ्रीजिंग पॉइंट को अचीव करने के लिए वी नीड टू कूल इट फर्दर। तो ये है बच्चों टेम्परेचर T2। ये डिप्रेशन आया T1 माइनस T2, राइट बच्चों? और ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये नंबर पे डिपेंड करती है। तो अगला पार्ट है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम एसिटिक एसिड, उसके बाद ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, फिर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। यानी क्वेश्चन इज व्हाई दिस डिप्रेशन इज मोर इन ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड? क्योंकि बच्चों एसिडिटी बढ़ रही है, एसिटिक एसिड से ज्यादा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होता है और उससे ज्यादा एसिडिक ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड होता है। व्हाई इज इट सो? दिस वी स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बट एट दिस टाइम वी नीड टू नो ओनली द एसिडिटी इज इंक्रीजिंग एंड इफ इट इज मोर एसिडिक मीन्स दैट इज प्रोड्यूसिंग मोर आयन्स। ज्यादा आयोनाइजेशन से ज्यादा आयन्स होंगे, ज्यादा आयन्स होंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोल्यूशन में बनेंगे। तो ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन्स, दस इट विल शो द ग्रेटर वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ। एंड एसिडिक एसिड इज द माइल्ड एसिडिक, इतना नहीं है जितना ये है, तो इट विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, रादर हमें आयन नहीं कहना चाहिए बच्चों। तो उस केस में डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहां पर सबसे लीस्ट होगी। टू द पॉइंट बच्चों आंसर, फर्स्ट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अभी जैसे हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। एंड टू मेक अच्छा ये बच्चों सॉल्वेंट के लिए है। वेपर प्रेशर अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज हो गया। एंड नाउ टू मेक वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म इक्वल एंड अंडर इक्विलिब्रियम इट इज फर्दर कूल्ड। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? एज एसिडिटी इंक्रीजेस आयोनाइजेशन इंक्रीजेस एंड दस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस, राइट बच्चों? नेक्स्ट बच्चों, व्हाट इज एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट केबी एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट केएफ? बच्चों एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट केबी इस रिलेशन से हम डिफाइन करते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम। दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां हमने क्या पढ़ा बच्चों? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और के बी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड एज एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और आई क्या है बच्चों? वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि
एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करता है और उस वैल्यू को यहां रखकर रेक्टिफाई करता है। तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूले में अगर हम देखें बच्चों, आई वन हो, मोलैलिटी भी वन हो, तो के बी किसके बराबर हो जाएगी? डेल्टा टी बी के। यानी एब्युलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट या रादर वी वुड से नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, या जिसका आई वन है, विच नीदर डिसोशिएट नॉर एसोशिएट, एंड वन मोल ऑफ इट इज बीन डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और सिंपली 1 molar सोल्यूशन। फॉर दैट के बी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बी। तो एब्युलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट विद आई इज इक्वल टू वन, या फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट विच हैज 1 molar सोल्यूशन। यस, आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही बच्चों क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिफाइन करना है तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, एंड के एफ विल बी इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड व्हेन आई इज वन, मोलैलिटी इज वन। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े बच्चों। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24 से पहले बच्चों आंसर नोट कर लो। मैथमेटिकल फॉर्म दिस, यू हैव ऑलरेडी सीन दिस रिलेशनशिप। नाउ द नेक्स्ट, विच विल एलिवेट मोर बॉइलिंग पॉइंट, यानी किसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? देखिए बच्चों किसके नंबर ज्यादा हैं, 1 molar शुगर, 1 molar यूरिया। अब बच्चों 1 मोल शुगर 1 लीटर सॉल्यूशन में है या 1 मोल यूरिया 1 लीटर सॉल्यूशन में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना शुगर टूटता है ना यूरिया ब्रेकअप होता है, देयर नंबर इज सेम। एंड व्हेन देयर नंबर इज सेम, देयर फोर देयर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड विल ऑल्सो बी द सेम। इज दिस क्लियर? यस बच्चों, सेम, बिकॉज द नंबर इज सेम। व्हाट इज एंटी फ्रीज? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट पढ़ा बच्चों हमने। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दे, दैट इज कॉल्ड एज एंटी फ्रीज। जैसे बच्चों इथाइलिन ग्लाइकॉल इस्तेमाल करते हैं हम कार रेडिएटर में, जो डाला जाता है कूलेंट, उसमें ये इथाइलिन ग्लाइकॉल डालते हैं, जिसका फायदा क्या होता है बच्चों? इसका फायदा ये होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होने से क्या होगा, ठंडे प्रदेशों में आपकी गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो उस केस में वो बर्फ नहीं बनेगी, है ना। टेम्परेचर 0 डिग्री से गया, पानी तो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर जैसे ही एंटी फ्रीज डालेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव में चला जाएगा एंड दैट विल नॉट फ्रीज। सो दिस इज एंटी फ्रीज विच इज एडेड इन सॉल्वेंट टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई यानी वेंट ऑफ फैक्टर। अब वेंट ऑफ फैक्टर में डिसोसिएशन में हमने डिस्कस किया, एनी इलेक्ट्रोलाइट विच गिव्स द नंबर ऑफ आयन्स, जस्ट काउंट दैट नंबर ऑफ आयन्स, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। ग्लूकोज आयोनाइज नहीं होता तो इसकी आई की वैल्यू है बच्चों कितनी, 1। NaCl ब्रेक हो जाता है Na+ और Cl- में, सो आई इज 2। कैल्शियम क्लोराइड गिव्स कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन, सो इट्स वेंट ऑफ फैक्टर विल बी 3। और ये बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू तब होंगी कंप्लीट जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। इट इज नॉट फॉर पार्शियल डिसोसिएशन, इट इज फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन। Al3+ एंड 3F-, Na2SO4 आगे देखेंगे बच्चों। इथाइल एल्कोहल ब्रेक नहीं होता, बेरियम फॉस्फेट टूटेगा बेरियम 2+,
एंड फॉस्फेट माइनस, तीन और दो पांच आयन, तो बच्चों इसका वांट ऑफ फैक्टर हुआ 5। Na2SO4 2Na+ SO4 2-, टोटल आयन्स हुए 3, 3 डिवाइड बाय 1 दैट इज अगेन 3। Li3PO4 देगा Li के 3 आयन और फॉस्फेट का 1 आयन, कितने हो गए टोटल 4 आयन्स हो गए। तो ओवरऑल आई की वैल्यू इसमें निकलेगी 4। तो यस बच्चों, ये वीडियो यहीं तक। Now I have completed the solution chapter. Now in the next chapter we will discuss then some other questions from the other chapter. Till then, bachcho, bye bye.